पर इसको किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री आया और उसी का ही होके रह गया, लेकिन अब सब प्रधानमंत्री का हो गया। तो भाई जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम से तो निकल चुके हैं, ये जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम पूरा दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और थोड़ा सा इधर भी है। म्यूज़ियम में से तो निकल गया, वहाँ चल रहे हैं आगे वाले में जो नया बना है, जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में है। ये तीन फ्लोर हैं, एक अंडरग्राउंड है, एक ग्राउंड है और एक अपर ग्राउंड है फर्स्ट फ्लोर। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो कितने काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, और अभी अंदर चलते हैं। पीछे तो भाई वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, मतलब मैंने पहले पूछा तो पहले कहा बनाओ, फिर मैं बना रहा था तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर कहा कि मत बनाओ, तो फिर हमने फ़ोटो खींची है और फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगा। उस फिर चलते हैं अब आगे अंदर, एक वो गेट है तो वहीं से चलते हैं, वो वाला तो बंद है तो हम इस वाले गेट से चलते हैं। ये पूरा म्यूज़ियम है नया जो बना है, और यहाँ पे ये एंट्री का गेट है, तो यहाँ पे अभी अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ तुम्हें। वो मेन काउंटर है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। ये संसद भवन है, संसद भवन, और ये पूरा अभी अंदर चलते हैं, पहले इसको देखते हैं। मेरे मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे हमारे मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी आओ, मोदी जी आ गए, क्या बात है। इधर से शुरू हुआ है और इधर पे अपना लास्ट प्रधानमंत्री जी का अभी करंट पीएम। अरे ये सही बना रखा है, मतलब पत्थर इतना चमक रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे भी डिस्प्ले लगी हुई है। तो भैया अब आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ये अंडरग्राउंड है और एक इसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर। तो पहले ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ऐसा नहीं है सिर्फ चल रही है, पर ये है कि कुछ स्पीकर वहाँ पे भी चल रहे हैं, कुछ स्पीकर यहाँ पे भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही है। अच्छा एक यहाँ पे चल रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का परिचय के बारे में लिखा है, शिक्षा के बारे में, रेल मंत्री, कांग्रेस के निर्वाचित नेता, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, राष्ट्र के नाम आदेश, संदेश। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। अगर तुम इसको साइड से देखते हो तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ कलाकारी की हुई है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पूरी गैलरी है, अपील टू कंट्रोल फूड वेस्टेज, तो ये सारी बातें लिखी हुई है उनके बारे में। अक्टूबर 1964 में स्पीच ऑन न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, लेटर टू द फार्मर्स, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इस पर कुछ पुरानी कटआउट्स हैं न्यूज़पेपर की, और ये कुछ पुराने लेटर्स हैं, लेटर टू श्री सी राजा गोपालाचार्य। जय जवान जय किसान का नारा है जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, और ये पेड़ एक सूखा और नीचे गेहूं की फसल दिखा रखी है, और किसान है और जवान है साथ में, एक जवान है जिसके हाथ में गन है, एक किसान है जिसके हाथ में हल है। ओन एयर ये है द ताशकंद 1966। और एक ये है, ये कुछ लेटर हैं मिशिगन लेजिस्लेचर, और यहाँ पर ये सॉफ्ट कॉपी में डाल रखे हैं। सोते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। क्या लिखा शास्त्री जी? पासबुक, पोस्ट ऑफिस सेविंग। अच्छा सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक है तो भाई। अच्छा इसका हम जूम भी कर सकते हैं, अरे ये तो अच्छी चीज़ है। कुछ कुछ डिस्प्ले नहीं चल रही थी पर ये सही है। पासबुक की अमाउंट वगैरह ये रहा, देखो 25 रुपये 35 रुपये, पहले इतने ही बहुत होते थे। किस डेट को? डेट है 30/9/1937। पासबुक का क्या काम? और ये कुछ यहाँ पे भी कटआउट लगे हुए हैं न्यूज़पेपर के, दैनिक जागरण। ये तो भाई मैंने नाम नहीं सुना इसका, दैनिक जागरण या रसा पता नहीं क्या है। रा भी होगा तो दो मात्रा कैसे है? तो भाई एक किसी ने न्यूज़पेपर देखा है तो बताओ क्या लिखा है। और ये आज है, ये कब का है भाइयों? 19 डेट की तरह इसकी डेट है भाइयों, हिंदी में लिखी हुई है 1966। और यहाँ पे एक कैनन लगी हुई है ताकि थोड़ा माहौल बने वॉर का सा। और ये दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट पड़ रही है। और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं कहते हैं ये आ गए मोरारजी देसाई जी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। पर्सनल पेन, द पर्सनल पेन ऑफ श्री मोरारजी देसाई जी का पेन है ये, मोरारजी देसाई जी की तुलसी की माला है ये, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता की कॉपी है ये भी मोरारजी देसाई जी का है, जो टोपी है वो भी मोरारजी देसाई जी की है, और ये है लेटर रिटन इन गुजराती, अच्छा गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है,
और ये मेरे ख्याल से हाथ से तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सारे अक्षर एकदम एक्यूरेट हैं, तो शायद प्रिंट करा हुआ है। और एक ये डिस्प्ले है जो मोरारजी देसाई जी की फोटो लगा रखी है, रिया श्री मोरारजी देसाई साथिया बना रखा था नीचे। धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का अध्ययन किया, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता ने उनके जीवन दर्शन को और महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक ने उनको बहुत प्रेरित किया। तो भाई ये ऐसे वीडियो है, पूरी चलती रही है, अब हम चलते हैं आगे। इस साइड कुछ है नहीं, एग्जिट है, फायर एग्जिट और लिफ्ट लोबी आगे है, और ये भी कुछ लेटर वगैरह हैं। और यहाँ पे भी ये भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, बम्बई प्रांत के मंत्री, और राजनीतिक यात्रा 1937 से 1963। इसको हम थोड़ा छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये 1967 जनरल इलेक्शन रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट का भी दिखा रखा है शिजान में, यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, इलेक्शन 283 वोट्स और अन्य अदर्स 160 42। ये है, और ये दिया लग रहा है लैम्प 35, अदर्स में है 42। अच्छा ये रहना, जो ये ऊपर है वही यहाँ पे है, हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, पहले गाय का साइन था कांग्रेस का, ऐसा कैसे हो सकता है? राजस्थान में तो कांग्रेस गौशाला तोड़ रही है, और जो घर में जिसने गाय पाल रखी है उनकी भी लंका लगी हुई है, और यहाँ पे गाय का साइन। गिरगिट रंग बदल रहा है क्या? वक्त के साथ। चलो यार आगे चलते हैं, साइन तो है पर ऑडियो आ नहीं रहा, तो बस वीडियो देख सकते हैं। विक्ट्री रैली रामलीला मैदान, तो सिर्फ, और ये लेटर वगैरह हैं, और यहाँ पे, यहाँ इसको थोड़ा इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन, अच्छा पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। द हाई डिमोनेटाइजेशन, बैंक नोट्स ऑफ 1,500 एंड 10,000 तक के नोट चलते थे 1954, इंट्रोड्यूस इन 1954। अच्छा, इतने बड़े नोट चलाए गए 1954 में, एंड फैसिलिटेटेड द, इसको हिंदी में ही कर लेते हैं ना यार, मैं भी पूरा ट्रांसलेटर हो रहा हूँ। तो नए देश में काले धन का अवैध संचय आसान हो गया था। हाँ आसान हो गया था, क्योंकि रखना आसान हो गया था, 10,000 का सीधा एक नोट। इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो भाई, मैं इसको थोड़ी देर रोक देता हूँ। न्यूज़पेपर का, और ये लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस जब करा था उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम पूरा देख सकते हैं यहाँ से। और द 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी कुछ है यार, काफ़ी कुछ, मतलब इजी हो गया, ऐसा नहीं है कि जो है वही देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम खुद भी देख सकते हैं कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। एक ही जगह पे देखो 4-5 चीज़ें दिख गई, और यहाँ पे भी कुछ डिस्प्ले जो देख सकते हैं, वहाँ पे वैसे पेपर वगैरह लगे हुए हैं और वो डिस्प्ले हैं। तो अब आ चुके हैं भाई प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की गैलरी में, और एक ये है 6th लोकसभा डिजोल्व्ड, तो ये भी है, इसको हम पलट नहीं सकते। अब इसके अंदर तो पता नहीं क्या लिखा है, लैंड प्रॉब्लम क्या लिखा है भाई, ये पीओ पे लैंग्वेज भी इस तरीके से लिखी हुई है, हमें समझ ही नहीं आ रही भाई। जेल डायरी ऑफ श्री चरण सिंह, अच्छा चरण सिंह जी की जेल डायरी है, जिसमें ये लिखते थे वो, इन बरेली प्रिजन, अच्छा बरेली की जेल में थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। वो है कैपिटल, अरे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चैप्टर 1। और मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आएगा क्या? 6 PM आवाज़ आ गई भैया, भाई फटाफट चलते हैं, टाइम ख़त्म होने वाला है। लेटर ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू डेटेड में, तो भाई फटाफट चलते हैं यार, क्योंकि आधा घंटा रह गया है बस। और इस तरीके की डिस्प्ले, इसको भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, अरे यहाँ तो सर्च करने का भी है, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं शायद, पता नहीं चल नहीं रही भाई ये। अच्छा डिस्प्ले ये टूट गई भाई, इसका कवर टूट गया, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं छोटा मोटा जो बच गया, आधा घंटा बचा हुआ है भाई हमारे पास, मैं आया भी लेट था। ग्राउंड फ्लोर चलते हैं, इसका पूरा वॉक ग्राउंड दे देता हूँ मैं। एसटीडी कोल है, और ये पुराने कंप्यूटर देखो, इस तरीके का कीबोर्ड होता था, इस तरीके का माउस होता था, जिसमें ज़्यादा बटन नहीं होते थे, शायद एक दो ही बटन है। इस तरीके का कीबोर्ड है, इस तरीके का डिस्प्ले है, मॉनिटर है पूरा, मतलब इसी में सीपीयू है, इसी में डिस्प्ले है, और इसमें शायद फ़ोन में कुछ सुनाई दे रहा होगा, तो मैं पूरा दिखा देता हूँ फिर चलते हैं यार, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास। ये है यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं, चैलेंजेस चुनौतियाँ, द मंडल कमीशन, देखने के लिए तो बहुत कुछ है और वक्त की कमी है।
काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन यार ये चीज़ें काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ से हम इसको लेटर टू श्री मोहन दरिया डेटेड जनवरी इकोनॉमिक क्राइसिस और द फॉल ऑफ गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। काफ़ी एक्स्ट्रा ही है यहाँ पे, शायद जितने भी यहाँ पे भी लगे हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो पूरा 1947 श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, तो सारी चीज़ें हैं देखो 1948-1949। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा भाई, पता नहीं किस बच्चे की फ़ोटो है। अच्छा ये अंग्रेज़ों की भी है यहाँ पे, ये देखो भाई ये तो मुझे अंग्रेज़ी लग रहा है, श्री जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू तो मुझे लग नहीं रहे। और ये भी शायद अंग्रेज़ों के टाइम की है, ये बैठे हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी फैमिली। और ये बच्चे की फ़ोटो है, पता नहीं किस चीज़ की है, काफ़ी फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पे 1949 रिज़र्व बैंक राष्ट्रीयकरण, फ़ोटोज़ तो काफ़ी हैं पर इसके नीचे ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। और लाइटिंग भी थोड़ी सी अलग है तो यहाँ पे तो चेहरा ही नहीं दिख रहा क्या है, बिल्कुल ब्लैक आ रहा होगा कैमरे में। 1950 राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण 1951। तो इधर फ़ोटोज़ हैं और इधर ये लगा रखे हैं जिसमें रेलवे नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण, अच्छा इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951, एशिया का विशालतम रेल नेटवर्क। श्री लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा ये अब श्री लाल बहादुर शास्त्री का आ गया, पहले जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो वगैरह थी, अब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये ऐसे लाइट पड़नी चाहिए फ़ोटो पे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है ये। अरे देखो 1960 1961 1964 65 66। और ये आ गया मोरारजी देसाई जी की कुछ पुरानी तस्वीरें। और ये श्री चरण सिंह, और यहाँ पे ये इसको भी कोई कितना ही देखेगा यार, इसको भी वही देख सकता है जो इन सब चीज़ों में रुचि रखता हूँ, ये भी बात है। श्री राजीव गांधी जी की फ़ोटोज़ वगैरह, ये नेहरू जी, राजीव गांधी जी और ये संजय गांधी जी होंगी। अरे लेब्रा, ओ माय गॉड, अमीरों का कुत्ता। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की फ़ोटो वगैरह आ गई है। और ये लास्ट है 1989 केरल का नरसिम्हा राव जी की गैलरी है। टाइम ज़्यादा नहीं है यार हमारे, एक चीज़ और करनी थी हमें, काफ़ी बड़ी बनाई हुई है ये। तो यहाँ पे जैसे ये सब लेटर वगैरह लगाए हुए हैं, इसकी डिस्प्ले काम क्यों नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही भाई, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो काम नहीं कर रही, ये काम कर रही है, हाँ ये काम कर रही है, मतलब डिस्प्ले लगाई हुई है दोनों तरफ, वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी जब भीड़ आएगी तो, पर कुछ डिस्प्ले काम नहीं कर रही। यहाँ पे पृथ्वी पूरी लगा रखी है और यहाँ पे पूरा इन्फोसिस, क्रांति, विप्रो, ये कंपनियाँ वगैरह हैं जो लिबरेशन, निजीकरण, इसके ऊपर के लिखा आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये यहाँ पे कुछ है लास्ट फेज, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह गैलरी लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड कैसे जाएं, यहाँ से तो बंद कर रखा है। श्री चंद्रशेखर, तो ये 1991 1992 1994, ये सारी चीज़ें पर ये बंद है तो हम घूम के जाना पड़ेगा शायद। तो चलते हैं, कुछ टाइम नहीं है और काफ़ी कुछ है लेकिन देखने के लिए, तो कोई नहीं, यहाँ पे एक चक्कर काटते हैं और फिर सीधा निकलते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे कुछ बता रखा है, ज्ञान की बातें। और तो कितना ही दिखाएं यार, जितना दिखाएं उतना ही कम है। और यहाँ पे ऊपर देखो, नीचे ये सिर्फ वाइट पेपर है, कुछ नहीं है, ये ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है।
जिससे लाइट पड़ रही है, पेज पलटता है तो उसमें सेंसर लगा उसे पता चल जाता है पेज पलट गया, तो कुछ और दृश्य दिखा देता है, पेज पलटता है तो उसे पता चल जाता है क्योंकि बार कोड है शायद इससे स्कैन करता होगा पता नहीं, और वो वही चीज़ खोल देता है जो बार कोड में है। और ये पूरी वीडियो चलती है किताब में, लोकपाल बिल या चार पांच पेज एक साथ भी सेलेक्ट कर देंगे आएगा उसी पेज पे वही चीज़ जो चीज़ उसमें सेव है। तो अब चलते हैं यार बाहर, मोदी जी के साथ हमने वो एक वीडियो का कुछ करा था वो कराऊँ तो वो डाउनलोड करते हैं, वो मेल पे डालेंगे। क्या टाइम हो गया है? टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। और ये कुछ है, ये तो हाथों से ही लिखा हुआ है, हैंड रिटन बाय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जय प्रकाश नारायण जी की हैंड राइटिंग। तो चलते हैं आगे, ये क्या है? भारत रत्न मेडेलियन एंड सिटेशन। मैं भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मान नार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूँ। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी जो भारत रत्न देते हैं वो इस तरीके का होता है, देखो पास से देख लो, और फिर एक वो सर्टिफिकेट सा होता है जो मोहर लगी रहती है भारत सरकार की, वो इस तरीके का होता है। प्रणब मुखर्जी जी का साइन है, 2015 में ये दिया गया था, ऐसा रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे डिस्प्ले लगा रखे राउंड शेप में। सोइल एंड रॉक फ्रॉम टाइगर हिल कारगिल। अच्छा, ये कारगिल की मिट्टी है भाइयों, और ये कारगिल का पत्थर है, कारगिल की मिट्टी और कारगिल। मई 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र कारगिल के ऊपर, ये कारगिल के बारे में दिखा रखा है अपने सैनिकों द्वारा। ये कौन सी मिसाइल है? अग्नि टू। तो भैया ये अग्नि टू है मिसाइल, और ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, अग्नि टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को हुआ। इसकी पहुंच लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर थी। तो अग्नि टू के बारे में लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000। अब ये कुछ यहाँ पे भी है उस टाइम का। अच्छा, ये बटन किसी काम के नहीं है, ये मतलब वैसे एक सेटअप बना रखा है ताकि देखने के लिए, नीचे से कोई वायरिंग वगैरह नहीं जा रही है। और ये पूरे डिस्प्ले है, ताजमहल। और ये डिस्प्ले राउंड शेप में लगा रखी है, गिफ्टेड बाय द फैमिली ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऐना का पेन है, पर्सनल पेन, रिस्ट वॉच, कोमेमोरेटिव कॉइंस प्रेजेंटेड बाय द किंग ऑफ भूटान, बैज वोर्न एट उंगा न्यूयॉर्क। ये बैज है कोई, लेकिन हम डायरेक्ट चल रहे हैं, टाइम है नहीं क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है और 6 बजने ही वाले हैं। ये है, और यहाँ पैड वगैरह लगा रखे हैं, आईपैड वगैरह, वो एप्पल के आईपैड लगा रखे हैं यहाँ पे। तो पसंदीदा प्राइम प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाएं। अच्छा, तो ये था हमारा, वो ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, उससे पूरी एडिटिंग करके हमारा वीडियो बना के देंगे जैसे कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ ही घूम रहे हैं 20 रुपये में, और 20 रुपये में ही प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी भी है। उसी चीज़ की लाइन लगी हुई है भाई, अभी देखते हैं अगर टाइम होगा तो लगवाएं करवाएंगे, नहीं तो भाई लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। मतलब भाई फेमस ही इतने यार अपने श्री नरेंद्र मोदी जी, लाइन लगी हुई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अभी पूछते हैं, पर ये तो बंद होने वाला है, इनका तो नंबर भी नहीं आएगा। रिसीव अ हैंड रिटन लेटर फ्रॉम योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, प्रिंट ओके, इस तरीके से मिलता है यहाँ पे। लोग फोन लेते हैं और ये प्रधानमंत्री के साइन हो जाते हैं। और भाई हमारा नंबर ही नहीं आएगा यार, ये हमने लिया भी नहीं है, लेकिन ना सेल्फी लिया हमने, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ वो ग्राउंड वाला वो लिया है, और वो तो मुझे लग नहीं रहा मिलेगा। एक बार बात करते हैं, पूछते हैं। ये जो तुमने देखा है फ़ोटो खींच रही है, अभी सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर वाला है, ये हमने नहीं लिया। तो ये 10 मिनट बच रही है बंद होने में, और लाइन इतनी लंबी लगी हुई है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है लाइन में लगने का। और ये आ गए भाई हम टाइम मशीन में, पता नहीं क्या चीज़ है टाइम मशीन में, मुझे चेक मिला है। पैसा ही पैसा होगा। ये टाइम मशीन है भाई, ये पता नहीं
प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, राउंड शेप में डिस्प्ले है और ये जादू की मशीन है। तो भाई वॉक विद पीएम तो नहीं हो पाया क्योंकि यार लाइन इतनी लगी हुई है और ये बंद होने वाला है भाई, अभी सबको बाहर निकाल देंगे, 6 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बच रही हैं। और ये पूरा आगे जवाहरलाल नेहरू, ऊपर से दिखाता हूँ और ज़्यादा साफ दिखेगा, ये जवाहरलाल नेहरू का पूरा पहले था, बहुत पुराना है, तो पहले से ही चलता आ रहा है, उसके बाद ये चीज़ बनाई गई है, पूरी ये चीज़ बनाई गई है प्रधानमंत्री संग्रहालय। कार खड़ी थी एक किधर, इस साइड में अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मतलब ये वो जगह है, इसी को म्यूजियम बना दिया था, जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो ये यहीं पे ही रहते थे, उन्हीं का वहीं पे बेडरूम है, उन्हीं का वहीं पे ही, इसी में ही, जिसको म्यूजियम बना दिया, यही पूरा मतलब गवर्नमेंट, मतलब ये सरकारी है, सरकारी से मेरा मतलब है, पब्लिक का है, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उसको मिलता था ये, पर वो गए तो उसके बाद इसको म्यूजियम बना दिया, फिर वो दूसरे कोई और घर देने लग गए प्राइम मिनिस्टर को, और इसको किसी को नहीं दिया, इसको डायरेक्ट म्यूजियम बना दिया, उन्हीं का कि कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी वजह से ये बन गया भाई जवाहरलाल नेहरू जी का म्यूजियम। पर फिर यहाँ पे अब इसका नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है, और इसके पीछे पूरा ये अभी बनाया ताज़ा, और ये है सब प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसमें है बातें, और ये पूरी जो जगह है ये तुम्हें दिख रही होगी कि ये है जवाहरलाल नेहरू जी का घर उस टाइम मतलब यहाँ कोई आ नहीं पाता था, और आएगा ही कौन, आम आदमी कैसे आएगा, म्यूजियम बना जब लोग आने लगे, और ये पूरा जवाहरलाल नेहरू जी का घर है। जवाहरलाल नेहरू जी के घर में साइकिल कौन चला रहा है, अरे मोर है क्या ये, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो देखो मोर भी है भाइयों। और ये कैसी गिलहरी है, ये तो थोड़ी अजीब सी गिलहरी लग रही है मेरे को, कैसी बीमार सी लग रही है तो मुझे भाई, गिलहरी तो मुझे बीमार सी लग रही है, इसको तो लेके भी नहीं जा सकता, मुझे ही पकड़ के रख लेंगे यहाँ पे, कहेंगे जानवरों को पकड़ रहे हैं। और ये मोर है, ये देखो मोर दिखाऊं, ये देखो मोर दिखाता हूँ और पास से, और ये मोर, और काफ़ी बड़ा है यार ये तो, वो आगे है और इसके आगे भी काफ़ी बड़ा है, और फिर ये बनाया है नया, ये भी काफ़ी बड़ा, और फिर इसके पीछे भी काफ़ी स्पेस है एक आदमी के लिए, इतना बड़ा जगह, गरीबों को तो, हाँ गरीबों को तो एक छोटे से 50-100 गज के प्लॉट में बेचारा पूरा परिवार रहता है बेच कुछ के, यार इतनी इज्जत मिलती है क्या प्रधानमंत्री बनने में, प्रधानमंत्री बन जाए क्या मतलब मौज ही है भाई, काचे काट रहे हैं सरकारी पैसे पे, और पूरा म्यूजियम खोल दिया है बेहतरीन, आओ देखो मज़े से एकदम। और अभी अपना पूरा चक्कर काट के बाहर ही चलते हैं, सीधा निकलते हैं घर की तरफ, ये देखो देखो आवाज़ आ गई, और ये बोला जा रहा है कि एग्जिट गेट की तरफ जाओ, 6 बज गए और निकलो, छुट्टी होने वाली है स्टाफ की, निकलते निकलते एक घंटा तो लग ही जाएगा बंद होने में, बना बहुत अच्छा रखा है लेकिन सुंदर, पर ये घास है प्लास्टिक वाली चिपका रखी है बिल्कुल, और ये घास है प्लास्टिक वाली आर्टिफिशियल, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ से, और ये बैठने के लिए बना रखा है, यहाँ पे लाइटिंग कर रखी है, वैसे रात के लिए ही लाइटिंग होती है, दिन में तो लाइट का क्या ही काम है, और इस टाइम तो ये बंद ही हो जाता है, ये बैठने का बना रखा है, ये और एक वहाँ पे वो, और एक वहाँ, ये देखो इस तरीके के मैट हैं, ये हटा ही पड़ा है, इसको सही कर लेते हैं, हवा चली होगी तो हट गया होगा। तो ये पूरा संग्रहालय है जो नया बना है, और वो पुराने वाला है, चलो सही है, जगह तो काम आई, नहीं तो पूरा पार्क ही था मेरे ख्याल से तो इधर, जिसको बनाया गया, पर यार ऐसे क्यों बनाया गया कि नीचे बेसमेंट, कि मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी यार फिर तो, क्योंकि बारिश आएगी तो पानी कहाँ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर बना दिया इसमें, अंडरग्राउंड ग्राउंड पे ही बना देते सारा काम। और वहाँ पे कार खड़ी है दिख रही है, और ये पूरा जवाहरलाल नेहरू जी का म्यूजियम है पुराने वाला, और ये नया बन गया है, ये देखो दिख रहा है बंदर बैठा है,
अपना कैमरा भी तो सस्ते वाला है। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे, वैसे तो बंद हो चुका है, बाहर जाने का टाइम हो गया है, पर फिर भी लोग बैठे हैं और सनसेट हो गया बिल्कुल। पी के पानी, मुझे लगा पूरा नया ही बनाया, पर लेकिन ये पुराना ही है भाई, जैसा पहले था। पर इसको किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री आया और उसी का ही होके रह गया, लेकिन अब सब प्रधानमंत्री का हो गया। तो अभी निकलते हैं भाई, अपनी बाइक खड़ी है उस साइड, अभी थोड़ा सा चलना पड़ेगा वहाँ तक और फिर बाइक उठाते हैं और फिर निकलते हैं। ये मेन गेट है इसका, वैसे तो यार ख़तरनाक बना रखा है यार, मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा ही था हाँ यार होगा एक फ्लैट, मतलब फ्लैट कह रहा हूँ, मतलब एक फार्म हाउस होगा बड़ा सा, पूरा पार्क होगा, एक छोटा सा घर होगा एक दो फ्लोर का, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है यार, मतलब एक आदमी के लिए इतना बड़ा था। ओ गुमा टू लव, अब चलते हैं भाइयों, ये है और पीछे पूरा दिखाया, मज़े आए होंगे यार तुम्हें भी, देखे उसी जगह आ गए हैं जिस जगह हम अंदर गए थे, अपनी पार्किंग सामने है जहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है। तो पहुँचते हैं बाइक के पास, घुसाते हैं चाबी और निकलते हैं घर की तरफ, और अब वहाँ तो क्या ही दिखाऊंगा, अब ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। वैसे ही बहुत लंबा ब्लॉग बन गया यार, अगर तुम्हें अंदर का सिस्टम देखा है ना तुमने जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो उसकी वजह से बहुत लंबा ब्लॉग बन गया। तो मैं निकल रहा हूँ भाई घर की तरफ, ठीक है घर चलो, मतलब तुम तो घर ही बैठ के देख रहे हो, अगर नहीं बैठ के देख रहे हो तो तुम भी घर पहुँचो, मैं भी घर पहुँचता हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ दबा दो। डर का माहौल तो नहीं है यहाँ पे, कौन खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, तुम भी खतरे में मत रहो, घर पहुँचो और मैं भी घर पहुँचता हूँ। ये मेन गेट है दिख रहा है, अपनी बाइक यहाँ कहीं खड़ी है, तो घर पहुँचो भाई तुम भी और मैं भी घर पहुँचता हूँ सेफ एकदम, हेलमेट वेलमेट पहन के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अदरक लहसुन सब कुछ दबा दो। अरे अपनी बाइक, अरे सब चले गए यार, थोड़ी भीड़ कम हो गई, कहाँ है अपनी बाइक, अपनी जाने मन, अपनी ब्लैक ब्यूटी और अपनी, ये देखो भाई यहाँ पूरा बड़ा कैमरा ला रखे और मुझसे कह रहे वीडियो मत बनाओ, ये देखना कितना बड़ा कैमरा है, अपनी मुझसे मना कर रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों, क्यों ऐसा भेदभाव। तो भाई अपनी ब्लैक ब्यूटी, अपनी जाने मन, अपना काला घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, तो अपने काले घोड़े को निकालते हैं जिस पे ब्राउन रंग का कवर लगा हुआ है, जिस पे बैठ के क्या बोलते हैं उसको, घोड़े के ऊपर जो लगा रहता है जिस पे पाँव वाँव रखने का रहता है सिस्टम सब कुछ, जिसकी कमर पे, घोड़े की कमर पे, तो ये घोड़े की कमर है और ये घोड़े के कान हैं जिनको मैं पकड़ूँगा, और चलते हैं घोड़े पे बूम बाम बूम करते हुए।